नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। खबर लखनऊ से। 23 जून शुक्रवार को पटना में विपक्षी दल की महाबैठक हुई, जिसमें देश की अलग अलग पार्टियों के अध्यक्ष, कार्यकर्ता और मुख्यमंत्री इस बैठक का हिस्सा बने। बता दें, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल समेत तमाम दिग्गज भी पटना पहुंचे। ये महाबैठक बिहार में किसी पार्टी को नहीं बल्कि मोदी को हराने के लिए हुई। बीजेपी की सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गिराने के लिए पूरा विपक्ष इकट्ठा हुआ। विपक्षियों को तो ये लगने लगा है कि मैं ही अगला प्रधानमंत्री। सबका एजेंडा बस एक है, मोदी को हराना। अपने अपने राज्यों में नेताओं का मोदी विरोधी का जमावड़ा लगा है। अब इस मुद्दे पर सुभाषपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने ए न्यूज टुडे से की बातचीत। लखनऊ से देखिए निखिल रस्तोगी की रिपोर्ट। लगातार चल रही है हमारे साथ जानकारी के अंतर्गत बैठक हुई है, तो आने वाले दिनों में जब इनको बुलाया जाएगा। अच्छी पहल है विपक्षी एकता की, नेताओं के साथ और इतने लोग बैठे हैं, सब लोग तय करके अपना रणनीति बना लें। जो विपक्ष में और लोग बचे हैं, मायावती जी हैं, जैन जी नहीं पहुंचे हैं, हम नहीं पहुंचे हैं, तो सबको एक साथ लेकर के चलने का काम है। यही विपक्षी एकता देश में सरकार बना सकती। अगर बुलाया जाएगा तो 100% महाराज हम तो तैयार है, कुर्ता उर्ता पहन के। अगर बीजेपी से बाद में विचार करेंगे, पहले विपक्षी एकता जिंदाबाद, तब उसके बाद देखेंगे आगे काम होगा। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए ओम प्रकाश राजभर जिन्होंने कहा विपक्षी एकता जिंदाबाद, उससे साफ तौर से जाहिर होता है कि विपक्ष के साथ जाने की अटकलें ज़्यादा तेज हो रही हैं। लेकिन अब बीजेपी में जाने के जब पूछा गया तो कहा कि हम बीजेपी में नहीं जा सकते, लेकिन चुनाव के आने के समय क्या हो सकता है ये कोई इस बात को नहीं जानता है, ये तो देखने वाली ही बात होगी। राजधानी लखनऊ से निखिल, ए न्यूज़ टुडे के लिए कैमरामैन जागे चौधरी।